ताज नगरी आगरा में जरूरतमंद और असहाय लोगों की सहायता के उद्देश्य से नई संस्था की स्थापना हुई है। इस अवसर पर संस्था के अध्यक्ष मनोज शर्मा ने शहीदों की प्रतिमाओं पर माल्यार्पण कर देश के अमर शहीदों को साक्षी मानकर संस्था के अन्य संस्थापकों के साथ उपस्थित सदस्यों को संकल्प दिलाया कि हम जन समाधान भारत के माध्यम से शिक्षा, चिकित्सा, न्याय आदि से पीड़ितों की सहायता व उनकी समस्या का समाधान करने का हर संभव प्रयास करेंगे। सरकार की जनहितकारी योजनाओं का लाभ प्रत्येक जरूरतमंद पात्रों को दिलवाने और उनके संवैधानिक अधिकारों की रक्षा करने के लिए दृढ़ संकल्पित हैं। संस्था के नवनियुक्त अध्यक्ष मनोज शर्मा ने कहा कि संस्था आगरा से उदय होने के बाद पूरे उत्तर प्रदेश में जनता के सहयोग हेतु संकल्प के साथ तत्पर होगी। हमारा प्रयास होगा कि छोटी से छोटी जगह हमारे संस्था के लोग जनहित के कार्यों में अपना पूर्ण सहयोग दें। मनोज शर्मा ने यह भी बताया कि आगामी कुछ माह में संस्था का गठन प्रदेश सहित भारत के कई राज्यों में कर दिया जाएगा। मैं मनोज शर्मा, अध्यक्ष जन समाधान भारत, आज जन समाधान संगठन का गठन किया है, क्या उद्देश्य रहने वाले? जैसा कि सारे पत्रकार साथी जानते हैं कि पूर्व में मैं टीम पापा अभिभावक संघ चला चुका हूं और वो निरंतर आज भी जारी है। वो केवल शिक्षा के ऊपर था और आज से हम जो काम करने जा रहे हैं, आज जो हमने संकल्प लिया है शहीदों के बीच में, उसका ध्येय ये है कि चिकित्सा के साथ साथ शिक्षा और अन्य जो हैं, जो जनता तक चीज़ें नहीं पहुँच पा रही हैं, उसके लिए हम आंदोलनात्मक तरीके से लड़ाई करेंगे और उनको दिलवाएंगे। जो शासन सरकार ऊपर से कोई चीज़ भेजती है, नीचे जो प्रशासन के लोग हैं वो पूरी नहीं पहुंच पा रही हैं, वहाँ तक जनता को नहीं मिल पा रही है, तो हम उसके लिए काम करेंगे और नीतियों को जो है आगे बढ़ाएंगे, जन जन तक पहुंचाने का काम हम करेंगे। डीजी महाजन न्यूज़ के लिए शैलेंद्र लवानिया की रिपोर्ट।